फ्रेंड्स हमारे साथ डॉक्टर एनके शर्मा हैं। आपने इनके कुछ एमवीक्यू वीडियोस देखे। एमवीक्यू का मतलब क्या है सर? मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, उसका कुछ वर्जन नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मोस्ट वैल्यूएबल। मोस्ट वैल्यूएबल का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी बड़ा हाई स्कोरिंग गेम है और उसमें हमें ये लगता है कि बायोलॉजी बहुत आसान है। कुछ जगह पर या तो हमारे कंसेप्ट ठीक नहीं होते, या कुछ जगह पर गलत कंसेप्ट बने होते हैं, कुछ जगह पर कुछ प्रेजुडिस होता है, कहीं पर कुछ डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, कहीं पर एनसीईआरटी को हल्का सा ट्वीक किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन डिसाइडिंग बनते हैं, ये वो मोस्ट वैल्यूएबल। और आपको यदि लगता है कि आपको बायो बहुत शानदार आती है, डॉक्टर शर्मा के टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। यू विल फाइंड क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम एनसीईआरटी बट यू विल स्ट्रगल टू सॉल्व इट। हम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको रेगुलरली देने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज, बायो अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि इग्नोर की जा सकती है। 340 प्लस निकालने में जान निकल जाती है, इट इज नॉट इजी। फेयर इनफ सर। सर जो भी जगह है, 340 का मतलब है नियरली परफेक्ट पेपर कर रहे हैं आप। करेक्ट। एंड नियरली परफेक्ट पेपर करने कोई भी आसान आपको नॉलेज भी चाहिए और आपका इमोशनल क्वोशेंट बहुत अच्छा चाहिए। और इमोशनल क्वोशेंट और टेम्परामेंट अलग अलग तरह के क्वेश्चन करने से डेवलप होता है, ताकि एग्जाम ज्यादा आसान लगे बजाय प्रैक्टिस टेस्ट के। सो डॉक्टर शर्मा का टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, पहली चीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वहां पे एमवीक्यूज मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन डालेंगे और शर्मा सर उनके वीडियो एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल, इस वाले यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। उसका फॉर्मेट ये होगा कि तीन तीन क्वेश्चन लिए, जल्दी से आपको अटेम्प्ट करने का वापस मौका दिया और उसके बाद सोल्यूशन डाल। बहुत बढ़िया सर, दैट इज गुड। फेयर इनफ सर, दैट इज सो इट वुड बी अ नाइस स्मॉल कैप्सूल फॉर मैक्स 5 मिनट्स। बिल्कुल बिल्कुल। और ये याद रखिएगा कि जरूर एक छोटा छोटा कहीं पर एनोटेशन नोट कर लें कि गलती मैंने क्या करी थी। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा ना हो कि यहाँ गलती करें और एग्जाम में भी दोबारा गलती करें, ये नहीं होना चाहिए गाइस। मतलब एक बार गलती की, वेरी गुड, आप समझदार हो, एग्जाम के दिन गलती नहीं करोगे। नहीं करेंगे। एग्जाम के दिन भी गलती करी तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। बिल्कुल 100%। इतने हाई स्कोरिंग गेम में फिर होगा नहीं। एक क्वेश्चन गलत होने से दिल्ली का मध्य प्रदेश हो गया, एक और गलत हुआ तो तमिलनाडु होगा। डॉक्टर शर्मा, फॉर यू गाइस, हम लोग आपको बहुत जबरदस्त बायो क्वेश्चन देंगे यहाँ पे। शर्मा सर के टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप उसे मिस ना करें। ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल से, आप देखिए आंसर डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए 30%, 20%, 20%, 30%। सो चारों आंसर लगे हैं, क्योंकि ऊपरी तौर पे देखने पे ऐसा लगता है कि चारों स्टेटमेंट ठीक हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन गलत बन गया। लेकिन आप स्टेटमेंट टू देखिए, जो हमारा आंसर है, कि आपको लगता है कि मेरिस्टमेटिक सेल्स स्पेशलाइज सेल्स है। सो दे आर नॉट स्पेशलाइज सेल्स, दे आर दी सेल्स विच आर नॉट स्पेशलाइज्ड एक्चुअली, एंड दे आर कंटिन्यूअली इन द स्टेट ऑफ डिवीजन, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड सेल। सो ये स्पेशलाइज है नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये तो अनस्पेशलाइज सेल्स हैं, जो केवल क्या कर रहे हैं बेटे, डिवाइड कर रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मेरिस्टमेटिक सेल्स आर स्पेशलाइज सेल्स फाउंड एट ग्रोथ रीजन ऑफ द प्लांट। सो इस तरह से हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ने इसको इंटरप्रेट नहीं किया, ऐसा लगा कि सारे स्टेटमेंट क्या है ठीक है। टेलीग्राम से एक और क्वेश्चन, assertion reason क्वेश्चन, देखिए बड़े ध्यान से, पहले इसको समझ लेते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या लिखा है। ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रही है कि यूकैरियोटिक सेल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें पता चला कि एक बड़ा नेटवर्क है टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, जो कि स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में, और इसीलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिवाइड करता है इसको दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में। हेंस का मतलब अब आपको समझ में आ गया। सो हमारा एसर्शन ये बना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इंट्रासेलुलर जो कंपार्टमेंट है, जो स्पेस है सेल के अंदर की, उसको दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, एक विद इन द ल्यूमन ऑफ द
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक उसके बाहर, उसके बाहर वाले को आप क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि सेल के अंदर, एक सेल के अंदर देखिए ये न्यूक्लियस है और इसके बाद में एक रेटिकुलम बना रहा हूँ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो स्कैटर्ड पड़ा हुआ है इस साइटोसोल में। बाहर वाला साइटोप्लाज्म है, अंदर वाला ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है। सो बिल्कुल क्लियर ये शब्द देख लीजिए, हेंस इसीलिए ये रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को और ऑप्शन वन करेक्ट आंसर है। टेलीग्राम चैनल पर एक और क्वेश्चन पोस्ट किया था, 2766 आंसर हैं और इसमें देखिए कि जनरली एसर्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि जब भी हम केवल प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो केवल एंजाइम की बात कर रहे हैं। सो आपने क्या ये देखा कि यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ और रीजन में मैं केवल बात कर रहा हूँ एंजाइम की। सो क्या आपको लगता है कि सारे के सारे जो प्रोटीन हैं वो सारे के सारे केवल एंजाइम का ही काम करते हैं? सो क्या आपको ये बात समझ में आई कि क्यों हम आंसर ऑप्शन वन नहीं दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सपोज कर लिया कि ये क्वेश्चन एंजाइम के ऊपर ही है? अगर मैं ऊपर एंजाइम की बात करता कि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम इज एब्सोल्युटली असेंशियल, तब तो मैं एक्टिव साइट की बात करता। लेकिन आपको क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मैं इन जनरल किसकी बात कर रहा हूँ? प्रोटीन्स की बात कर रहा हूँ, जिसका एक बड़ा सबसेट, शायद सबसे इंपॉर्टेंट में से भी एक सबसेट कौन है, एंजाइम है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन दैट वुड नॉट बी एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द प्रोटीन्स, ऑल दो द रीजन स्टेट is actually correct and that is why option 2 is the answer.